देखें आ, बॉलिंग हमारी जो थी वो हमने इस साल काफ़ी मच्योर की है आ, हमने फोनस भी आ, जो है वो एक्सपीरियंस लिया है देखें जितनी मर्ज़ी अच्छी बॉलिंग हो जब आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ना तो वो उस बॉलिंग का फ़ायदा नहीं है आ, जितना जल्दी आप इस चीज़ को ओवरकम करेंगे अपने आप को उस चीज़ में लाएंगे पिच क्या बिहेव कर रही है इसमें क्या बॉलिंग होनी चाहिए तो एज अ प्लेयर आपको जितना जल्दी आप कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा आप बॉलिंग करेंगे ये नहीं कि आप आंखें बंद कर आके बॉल करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और उसके लिए हमने जो है बॉलर से बात करेंगे कि हम क्या प्लानिंग के साथ जाएंगे और किस तरह की बॉलिंग होनी चाहिए और फैंस की देखें हमेशा अच्छा लगता है जब आपके होम क्राउंड में जब आप खेलते हैं सामने और मैं बड़ी बारी कह चुका हूँ कि ये वो ग्राउंड है जिसपे मैं एज अ बॉल पिकर आया था और मुझे आज भी वो याद है कि आज आपको पूरा स्टेडियम आपका नाम लेता तो एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है देखिए आप अभी एक मैच के बाद नहीं डिसाइड कर सकते आप किस कम्बिनेशन के साथ जाते हैं देखें ये भी हारिस भी परफॉर्म करता रहा लेकिन नहीं होता कभी कभार देखें एज अ प्लेयर आप पे ये पैच आता है ये बड़ी बड़े बड़े प्लेयरों पे पैच आता है हाँ उसको कॉन्फिडेंस देने की बात है और वो करके भी दिखाएगा हसीबुल्ला भी बिल्कुल जिस तरह वो परफॉर्म करता आ रहा है और वो काफ़ी कीन है मैं जब भी उसको देखता हूँ वो कुछ ना कुछ आ, अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें लगा रहता है कभी कीपरिंग करता है कभी बैटिंग करता है कभी फील्डिंग करता है तो देखें वो रेडी है डिपेंड करता है कि क्या कम्बिनेशन के साथ जाते हैं कंडीशन के साथ जाते हैं और किस फ्रेंचाइज़ के अगेंस्ट मैच है तो उस हिसाब से कम्बिनेशन आप बनाते हैं थैंक यू